हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे वह आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का सबसे पहला भाग शुरुआत होगी। यानी आज हम पार्ट वन से जो है अच्छे से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अभी तक मैंने जितने भी आपके 11 लेक्चर्स रहे उसमें सिर्फ आपको आधार ही बताया है, भारतीय संविधान है क्या, इसमें कौन कौन से बिंदु रहे, फीचर्स क्या रहे, बहुत तमाम चीजें मैंने आपको बताई हैं जो सिर्फ आपको समझने के लिए रही। दोस्तों, ये सारे प्रोग्राम जो है आप सारे लोग जानते हैं कि टीम के द्वारा जो निःशुल्क चलाया जा रहा है पूरी तरीके से, और यह 10+ कोर्सेस के अंतर्गत आने वाला आपका प्रोग्राम है, जिसमें इस समय हम लोग वर्तमान में जो आपकी ये डिटेल क्लासेस 6:00 हो रही है, इसमें आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जो है EBPCS में जो अपकमिंग है उसमें बैठना चाह रहे हैं, या आप किसी भी आपके राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या वनडे की किसी एग्जाम की आप जो है तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में यह एक समान रूप से आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगा। क्योंकि अब छोटी परीक्षाओं में आप ये नहीं कह सकते हो कि GS का हम विभाजन करके पढ़ेंगे। भैया, अब ऐसी चीजें पूछ रहा है ना जो आपका लोक सेवा आयोग पूछता था, वो चीजें अब आपके छोटे छोटे आयोग पूछ रहे हैं। इसीलिए अब वहां से काम नहीं बनेगा कि आप 4 पॉइंट पढ़ के फिर निकल लिए। इसीलिए GS के विषय में खासकर आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। आज मैं आपसे भाग एक की शुरुआत कर रहा हूं, पार्ट वन की। आप लोग जिस तरीके से पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, आज यहां पर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वह तरीके दूसरे तरीके से होगा। यानी हम किन किन बिंदुओं को कैसे समेटेंगे। देखो, मेरा एक ही ध्येय होता है कि मैं प्रश्नों को देखता हूं, जो भी आपको पढ़ाना है उससे पूछे गए प्रश्न क्या है, उनके आधार पर मेरी नोट्स होती है और मेरी पूरा व्याख्यान होता है आपका। इस वजह से आप वहां पर फोकस रहें, यानी कम समय में बेहतर करना चाहते हो, आप अपने आप को वहां खड़ा करना चाहते हैं कि मैं आयोग के बराबर चल सकूं, तो आप मेरे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। जितने भी लोग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, हर दिन की जितनी क्लासेस चलती हैं, उन्हें बिना कुछ सोचे समझे क्या करना है, ₹500 में 3 महीने के लिए हमारा प्लान ज्वाइन कर लेना है। और इसमें हम 3 महीने तक आपको, ठीक है, हर दिन की क्लास की पूरी विधिवत अच्छी नोट्स हम आपको प्रोवाइड किया करेंगे, तो इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो फायदेमंद चीजें हैं, जहां से कुछ भैया पाना है उसमें निवेश करना आपके लिए बहुत उचित होता है। बाकी आप लोग समझदार हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, वीडियोज हमारा दायित्व है, हम आपके अपने दायित्व को समझते हुए वीडियोज फ्री कर रहे हैं। अब आपका जो दायित्व बनता है उसका निर्वहन आप स्वयं करिए। अगर आपको कोई समस्या होती है, ठीक है, ऐप डाउनलोड करने में, या हमारे किसी भी क्रैश कोर्स UPPCS प्रीलिम्स, UPPCS BO, या कोई अन्य क्रैश कोर्स जो हमारे चल रहे हैं उससे जोड़ना चाह रहे हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, आज हमें शुरुआत करनी है पार्ट वन के, पार्ट वन वो भी आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का भाग एक आपका है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी जो है संघ और इसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब यहां पर जैसा नाम लिखा है जो आप लोग समझते हैं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये चीजें अपने आप में, सबसे पहली चीज यह जान लो कि भारत इसमें भाग एक में आपके 4 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, 4 अनुच्छेद में आर्टिकल 1 से शुरुआत करता है। कभी कभी यह भी पूछा है कि अनुच्छेद 1 में जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक का वर्णन है, तो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है, आपका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक किसमें, भारतीय संविधान के भाग एक के अंतर्गत आता है। संघ क्या है, राज्य क्या है, संघ राज्य क्षेत्र क्या है, तीनों की अलग अलग परिभाषा है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ऐसा नहीं है कि आप जैसा पढ़ते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, इसका बहुत व्यापक मतलब है भैया। आज उन्हीं सारे मुद्दों पर मैं आपसे बहुत विधिवत परिचर्चा करूंगा कि आप जिस अनुसार सारी चीजों को पढ़ते हैं वो चीजें आपके लिए कहां तक बेहतर साबित होती है। ठीक है, तो आज हम लोग आर्टिकल 1 से शुरुआत करेंगे। आर्टिकल 1 में क्या क्या चीजें उपलब्ध है, ठीक है, हमें किन किन चीजों के बारे में बताया गया। आप सारे लोग जानते हो कि भारतीय संविधान, ठीक है, पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छे से करता है। यानी देश
में जो शासन चलना है वह शासन के आधार क्या क्या हैं, उन आधारों को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, राज्य में शासन है तो राज्य शासन का आधार क्या है, यह सब कुछ भारतीय संविधान के जो है आपको भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा मिलेगा। तो उन्हीं के आधार पर मैं भारतीय संविधान का भाग एक शुरू कर रहा हूं। बहुत अच्छे से समझना, आसान सी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन जहां से प्रश्न बनते हैं उन लैंग्वेज में है, वो लहजा है। चलो बहुत अच्छे से अपने आपको कंसंट्रेट करो और मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं, उसी अनुसार हम लोग डिस्कस भी करते चलेंगे। मैंने हेडिंग जो डाली है या भारतीय संविधान जिस अनुसार आपसे पूछा जाता है, ठीक है, भाग वन जो डील करता है या संघ एवं राज्य क्षेत्र नाम से जाना जाता है भाग एक आपका, इसमें अनुच्छेद एक से लेकर अनुच्छेद चार तक, ठीक है, शामिल है। यानी संघ राज्य क्षेत्र या भाग एक में अनुच्छेद एक से चार तक का आपका जो है हिस्सा जो है अनुच्छेदों का वह आता है। दूसरी बात, भारत के राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया है, भारत के राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिसमें राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में वर्णित संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, उन सभी का वर्णन किसका, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत होता है। समझ गए, राज्य क्षेत्र क्या है, राज्य का मतलब जब भारत की हम जो है उसमें परिपेक्ष में बात करते हैं तो इसका मतलब कि जितने राज्य हैं 28 वो आपके राज्य के जो क्षेत्र है वो, और उनके साथ साथ संघ राज्य क्षेत्र है वो, तीन चीजें मिलकर भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसका मतलब यह नहीं कि हम 28 प्लस 8 लिख दिए तो हमने भाग एक को डिफाइन कर दिया, ना, भाग एक की डिफिनेशन यह नहीं जो आप 28 प्लस 8 लिख के अपने आप को जो है पूर्ण कर लें। इसके अर्थ को समझिए, क्योंकि भारतीय संविधान के अर्थ ही क्या है, किसी ने इन पर भी बोला था कि यह लोगों को मुकदमेबाज बना देंगे, ठीक है, वह किसी विशेष भाग को ही लेकर था, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। अब राज्यों के संघ के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि भारत जो भारतीय संविधान है इसका अनुच्छेद एक बोलता है कि जो भारत है वह राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद एक में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, केंद्र शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में कहीं भी केंद्र शब्द का कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो यह चीज कहां से आई, और थोड़ा विधिवत समझो इसको, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद एक आपका डील करता है। अनुच्छेद एक क्या बोलता है, अनुच्छेद एक कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, दोनों नाम लिखे हैं, भारत भी नाम लिखा है, इंडिया भी नाम लिखा है, राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वह होंगे, यानी राज्य क्या होगा, राज्य का राज्य क्षेत्र क्या होगा जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, यानी राज्य वह होंगे और राज्य क्षेत्र वह होंगे जिनको पहली अनुसूची में लिख दिया गया है, वो आपके किसमें, इस संघ में शामिल होंगे। अगली बात, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आएगा, समझो इस पॉइंट को, भारत का राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है। देखो भैया, राज्य क्षेत्र का मतलब है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली बार, ठीक है, यानी जैसे उत्तर प्रदेश होगा, हो गया तो इसका जितना राज्य है वह क्षेत्रफल। दूसरी बात, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र जिनको आप यूटी बोलते हो, यूनियन टेरिटरी। तीसरी बात, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, जो हम दूसरे देशों से ले लें, जैसे बांग्लादेश से हमने लिया, वेरुवाड़ी वाला रहा तो पाकिस्तान से हमने लिया, भविष्य में जो भी क्षेत्र हमारे द्वारा अधिग्रहित किए जाएं, अर्जित किए जाएं, वह सभी किसके अंतर्गत आएंगे, वह सभी भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे, समझे, वह सभी भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे। तो एक पॉइंट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। भैया यहां ध्यान दो, अगर हम बात करें एक बहुत अच्छे आपके विधि विशेषज्ञ डीडी बसु, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि भारत का संविधान एकात्मक तथा संघात्मक का सम्मिश्रण जो है, सम्मिश्रण है। डीडी बसु की आप किताबें पढ़ते हैं भारतीय संविधान को लेकर के, इन्होंने जो बोला है, चूंकि यहां से सवाल बनता है, इन्होंने कहा कि भारतीय जो संविधान है इसमें आपको एकात्मक व्यवस्थाएं भी मिलेंगी और संघात्मक व्यवस्थाएं, दोनों चीजें, यानी यूनियन और फेडरल, दोनों के आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम केसी व्हीलर के बारे में बात करें, यह भी आपके एक विधि विशेषज्ञ है, इनका भारतीय संविधान के संघ पर मतलब क्या मत रहा इसको समझो। ये कहते हैं कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है, उनके अनुसार भारत एक अर्ध संघीय राज्य है, समझ गए,
भारत कैसा राज्य है, एक अर्ध संघीय राज्य है, तो इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से दिमाग में बनाए रखिएगा, यहां से अधिकतर पूछता है। अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं भैया, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस चीज को आप बहुत अच्छे से जो है ध्यान रखिएगा, 28 और 8, ठीक है 10 हुआ था, 10 से 8 आया है, तो इसलिए दिमाग में बहुत अच्छे से बनाए रखिएगा। संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अलग दर्जा दिया गया है। शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के बीच विभाजन किया गया है। संघ सूची में 99 विषय, इससे पहले भी मैंने बताए हैं अपने यहां भारतीय संविधान में, और मैंने यह भी बताया है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच में जो विभाजन होता है यह किसका लक्षण है। आप जब इसके पहले वाला हमारे लेक्चर देखेंगे वहां पर मैंने इन चीजों को डिफाइन किया अच्छे से, ठीक है। दोनों के बीच में विभाजन है, जो आपकी संघ सूची है, संघ सूची में 99 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय तथा राज्य सूची में 61 विषयों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़िए, भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार के पास है। अवशिष्ट शक्तियां किनके पास है, केंद्र के पास है, ऐसा पूछता भी है। भारतीय संघ की इकाइयों, इकाई का मतलब क्या, भारत राज्यों की इकाई है ना, भारतीय संघ में राज्य शामिल है, तो भारतीय संघ की इकाइयों यानी राज्यों को अपना संविधान रखने की इजाजत नहीं है, अनुमति नहीं है भारतीय संविधान में। अगली बात, लेकिन कुछ राज्य जैसे अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर की स्थित हो गई, इसी प्रकार अनुच्छेद 371 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, अनुच्छेद 371 ए के अंतर्गत नागालैंड, 371 बी के अंतर्गत जो है असम, 371 सी के अंतर्गत आपका हो गया, ठीक है, सिक्किम, ऐसे राज्यों के लिए विशेष, मैं असममित आपको संघवाद के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया हूं कि भारत में जो है सब कुछ सारे स्टेट बराबर को हम बोलते हैं कि भारत में जो सारे स्टेट हैं ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी भारतीय संघ में जो इतने भी स्टेट जो है भागीदार हैं ये किसी समझौते के तहत नहीं आए हैं। वहीं आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जब बात करेंगे, जिसमें अमेरिका के झंडे पर आपको 50 सितारे नजर आते हैं, वह 50 राज्यों को क्या करते हैं, दिखाते हैं, 50 छोटे छोटे समूहों ने, राज्यों ने मिलकर के एक संयुक्त राज्य बनाया जिसका नाम अमेरिका दिया गया। यही तो उसका मतलब है, संयुक्त राज्य अमेरिका का मतलब क्या है, छोटे छोटे समूहों ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से एक क्या किया, समझौता किया आपस में, और उस समझौते को नाम जो दिया गया वह नाम दिया गया कि हम सब मिलके संयुक्त होके एक राज्य बनाएंगे और वह अमेरिका कहलाएगा। वहां राज्यों का अपना संविधान अलग है, ठीक है, और अमेरिका तो हाई है, वहां गवर्नर जो है, गवर्नर को लेकर के और जो आपके अदर चीजें हैं मतलब प्रेसिडेंट को लेकर के बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं। मैंने इससे पहले पूरी स्थितियों को स्पष्ट कर दिया है, सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं भैया, इसमें अगली चीज ध्यान रखिएगा, भारतीय संघ के राज्य आर्थिक सहायता के लिए संघीय सरकार पर निर्भर करते हैं। जैसा मौजूदा स्थिति है तो इसमें सब कुछ कौन करेगा, वह संघीय सरकार करेगी। बहुत सारे आपके इस समय जैसे स्थित देश में बनी हुई है तो इनमें बहुत सारे आपके क्या है राज्य, वो केंद्र से एक विशेष पैकेज की अनुमति जो है सहायता मांग रहे हैं। तो सब कुछ राज्य किन पर डिपेंड है, संघीय जो है सरकार पर ही राज्य डिपेंड होते हैं, जैसे कि भारत में है। राष्ट्रीय आपातकाल अगर घोषित हो गया भारत में तो संपूर्ण व्यवस्था एकात्मक राज्य के रूप में कार्य करने लगती है, यानी 28 राज्य में जो सरकारें बनी है वह सरकारें सभी के सभी आपकी क्या हो जाती है, उस समय चुपचाप हो गई, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता और सारा शासन कहां चला जाता है, संसद के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में, ठीक है। भारतीय संघ व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। भारत में एकल नागरिकता प्राप्त है, संघ की इकाइयों को पृथक नागरिकता कहीं से भी प्राप्त नहीं है, ठीक है। संघ की जो इकाइयां हैं यानी राज्यों को अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरी बात, केंद्र सरकार को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार है, बहुत अच्छे से नोट करिएगा। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, यहां से प्रश्न आया है, यदि वह राष्ट्रीय महत्व का हो या राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो ऐसे जो है स्थिति के दौरान संसद राज्यों के लिए कानून बनाती है, इस पर सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, यदि समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य तथा केंद्र दोनों ही कानून बनाते हैं तो किसका कानून मान्य होगा, तब आपका केंद्र का कानून मान्य होता है हमेशा।
ऐसे मुद्दे जिन पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, यानी समवर्ती सूची, और मान लीजिए केंद्र ने भी कानून बना दिया, राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया, तो वहां पर किसका कानून मान्य होगा? वहां केंद्र का कानून मान्य होगा। आगे बढ़ते हैं, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 की बात कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है अनुच्छेद 1 बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा आपका। अनुच्छेद 2 पर बढ़ते हैं। नए राज्य अगर मान लीजिए जहां पर वहां पर राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आया था, कि ऐसे राज्य जिनका अर्जन किया जाए, ऐसे राज्य क्षेत्र जिनको हम अर्जित करते हैं, तो वो भी भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो वही चीज की गई अनुच्छेद 2 में, या जो है प्रावधान है इसके अनुसार, नए राज्यों के प्रवेश के संबंध में, नए राज्यों के प्रवेश के जो है संबंध में संसद को दो प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। किसके अंतर्गत? संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। दूसरी बात, नए राज्यों को संघ में सम्मिलित करने की शक्ति है। सबसे पहले किसको? संसद को यह पावर है। दूसरी क्या पावर दी गई है इसको समझिए, नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति है संसद को। तो संसद को अनुच्छेद 2 के अंतर्गत दो पावर दी गई है, ठीक है, इनको अच्छे से समझिए। दूसरी चीज, प्रथम जो शक्ति आपकी दी गई है, पहली जो इसको पावर दी गई है संसद को, ऐसे राज्यों से संबंधित है जो पहले से ही विद्यमान है। इस चीज को बहुत अच्छे से गौर करिएगा, बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन यहां बनी रहती है, ठीक है, यानी अस्तित्व में है, पहले से जो राज्य अस्तित्व में है उनके लिए पावर जो है आपका क्या कहता है, पहली शक्ति बोलती है। दूसरी चीज, दूसरी जो शक्ति यह बोल रही है आपकी, नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति संसद को, यह भविष्य में अर्जित या स्थापित किए जाने वाले राज्य से संबंधित है। तो दोनों में बहुत अच्छे से जो है अपने आप को क्लियर करिएगा, नहीं तो यही कंफ्यूजन हमेशा बनी रह जाएगी आप में। आगे बढ़ते हैं, अब जो है भविष्य में अगर मान लीजिए, यहां पर तो नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति दे दी, लेकिन नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी भारतीय संविधान में, या भारतीय संविधान के इतिहास में जो नए राज्य बन के आए वो कैसे रहे? क्योंकि स्वतंत्रता जब हमें मिली उस दौरान 4 भाग में जो है भारतीय राज्यों का विभाजन था, ठीक है, उस विभाजन में जब हमें आजादी मिल गई तो आजादी के बाद कुछ दिन तक, ठीक है, वो राज्य आपके वैसे ही चलते रहे, कुछ राज्य और कुछ जो है यूटीज को बनाया गया, लेकिन समय पर भाषाई आधार पर जो है अलग अलग राज्यों के गठन की मांग बढ़ने लगी और सरकार अंततः मजबूर होकर नए निर्माण की जो प्रक्रिया है इसका सहारा लेती है और जो है राज्यों के गठन की मंजूरी देती है। फिर आपका आता है राज्यों का पुनर्गठन, तो इन्हीं सब पर विधिवत चर्चा करनी है। आगे ध्यान दें, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अनुच्छेद 3, बहुत बार पूछा गया है, बहुत अच्छे से क्लियर करना, नहीं तो अब भी इसके बाद भी आप में संशय बरकरार रहेगा, वैसे मुझे नहीं लगता जो है बरकरार रहेगा। ध्यान दो यहां पर, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान है। बहुत एक एक शब्द पे गौर करना, नहीं तो आप भारतीय संविधान में जो गलती करके आओगे ना वहां पर, वो इन्हीं शब्दों के खेल में आप, क्या आयोग क्या करता है, इन्हीं शब्दों में हेर फेर कर देता है और आप जो है गलती करके चले आते हो। यानी जो अनुच्छेद 3 कहता है वह 3 ये बोलता कि संसद जो है नए राज्यों के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन कर सकती है, और यह शक्ति को इसमें किसके द्वारा है, यह शक्ति अनुच्छेद 3 के द्वारा दी गई है। दूसरी बात, संसद साधारण बहुमत से पारित कानून द्वारा नए राज्यों के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, नए राज्यों के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना संसद के किसी भी सदन में नहीं लाए जा सकते। मैंने सारी बातों को एक साथ जो है यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि आपको इनको पढ़ने के बाद कहीं से भी यह संशय न उत्पन्न हो, कोई शंका आपके दिमाग में ना चले, ठीक है, इसीलिए यहीं पर उन चीजों को भी मैंने बिल से संबंधित भी जोड़ दिया। दूसरी बात, अनुच्छेद 3 के क्लेरिफिकेशन को जोड़ दिया। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए, यदि राज्य विधायिका उस निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर अपना मत नहीं देती तो समय सीमा बढ़ा भी सकता है कौन, संसद, जिस मामले में उससे क्या करती है, पूछती है कि ऐसा ऐसा मुझे करना है आपके राज्य को लेकर के, अगर उसने एक लिमिट टाइम के अंतर्गत अपना जो है जवाब नहीं दिया तो संसद को यह अधिकार है वो समय बढ़ाकर उस राज्य से क्या कर सकती है, जवाब मांग सकती है। अगली चीज ध्यान दीजिए,
अब जब ये बात होने लगी, लगातार चीजें चलने लगी, ठीक है, संघराज इस क्षेत्र की स्थापना की, तो क्या हुआ आजादी के बाद में, ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग बहुत पहले से ही चली आ रही थी, स्वतंत्रता से पहले भी। तो उस दौरान अगर देखें, स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन में ही सर्वप्रथम भाषाई आधार पर, ठीक है, 1936 में उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ था, याद रखना, सबसे पहले दादर और नगर हवेली जो आपके हैं, ठीक है, और दमन और दीव है, इन दोनों का भी विलय हुआ है बहुत जल्द ही, ठीक है। इसमें क्या किया गया, एक आपका अधिनियम आया था 2019 की बात है, ठीक है, और इसमें इसकी धारा 2 के खंड आ के तहत केंद्र सरकार ने क्या किया, यह जो अधिनियम रहा इसको 26 जनवरी 2020 की तिथि से लागू होने के लिए घोषित किया था, और इन दोनों को मिलाकर जो नया आपका प्रदेश बना है उसका नाम क्या, दादरा व नगर हवेली तथा दमन दीव रखा गया है, ठीक है। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस चीज को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो भाग एक आपको इतनी डिटेल पढ़ने के बाद अब नहीं लगता मुझे कोई संशय रह गया होगा, ठीक है। बाकी इनके जो है जितने भी मैं इनको करवा रहा हूं, इनके पार्ट वाइज आपके प्लेलिस्ट में जाइए, वहां फास्ट ट्रैक जो है पॉलिटी करके भी एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी की, उसमें मैंने पॉलिटी के 21 क्लासेस करवाई हैं, जिसमें हर एक में 50 क्वेश्चन है, ठीक है, यानी 1100 प्रश्नों को कवर कर दिया गया है। उसकी पीडीएफ भी रेडी हो गई है, ऐप पर लगी है, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं इस पीडीएफ को, ठीक है। 1100 प्रश्न है, तो जो चैप्टर में पढ़ाता हूं आप वहां से उन प्रश्नों को देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं वीडियोस के माध्यम से, पीडीएफ को देख सकते हैं, पीडीएफ जो तैयार की गई है भैया, ठीक है। 1100 प्रश्न है, इसमें हर एक चैप्टर के जो है, जैसे कोई चैप्टर शुरुआत हुआ है तो उसकी सबसे पहले शॉर्ट नोट्स लगी है पूरी उस चैप्टर की, उसके बाद उससे जुड़े 50 क्वेश्चन, यानी एक अच्छी अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप जो है इस 1100 वाले प्रश्न की आप पीडीएफ ले लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसके बाद भी चीजें क्या होती है। तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, बाकी चीजें टीम उपलब्ध करा रही है, बिल्कुल प्रयास होगा, बहुत सारी चीजें यहां सीखने को आपको मिल रही है, मस्त होकर पढ़िए, बाकी टीम आपके साथ है, धन्यवाद।